तो मशरूम खाओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाओ। चौंकने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने। जी हाँ, मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती दिखाई देती है ना, उसके पीछे किसी और का नहीं, इसी मशरूम का बहुत बड़ा हाथ छिपा है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे बनना है। देखिए जरा, मशरूम खाओ मोदी बन जाओ। जी हां, सही सुना आपने, मशरूम खाओ मोदी बन जाओ। मशरूम खाओ मोदी की तरह फिट बन जाओ। मशरूम खाओ मोदी की तरह सेहतमंद बन जाओ। आज आपको मोदी का सबसे बड़ा राज बताएंगे। बताएंगे आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मशरूम खाओ मोदी बन जाओ। मोदी का सबसे बड़ा राज बताएं, उससे पहले देखिए देश की सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से लगातार 2 साल तक बिना थके, बिना रुके, बिना छुट्टी के लगातार काम करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी मई की चिलचिलाती गर्मी में कैसे गरज रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती से देशवासियों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि आज डॉक्टरों की जो सरकारी अस्पतालों में है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है। इसी सप्ताह हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो, सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी, 65 कर दी जाएगी। ताकि मोदी बता रहे हैं कि किस तरह उनके राज में देश बदल रहा है। एक के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। अपने शासन के 2 साल पूरा होने पर विपक्ष को ललकारते मोदी, अपने विरोधियों को चुनौती देते मोदी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी भी 2 साल में आपने कोई खबर ऐसी सुनी है कि जिसमें मोदी सरकार ने 1 रुपया खाया हो? पूरी ताकत से बताओ भाइयों, हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी अखबार में छपा है? किसी टीवी ने दिखाया है? आपको किसी ने सुनाया है? भाइयों बहनों, 2 साल पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाखों लोगों के बीच खड़ा होकर के अपने हिसाब दे सके और जनता से पूछ सके। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हो या फिर असम का दिसपुर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो या तमिलनाडु का चेन्नई या फिर केरल का त्रिवेंद्रम, हिंदुस्तान के हर कोने में गरजने वाले मोदी पर लगता है जैसे बढ़ती उम्र का कोई इफेक्ट नहीं होता। भोर यानी अर्ली मॉर्निंग से लेकर देर रात यानी लेट नाइट तक काम करने वाले मोदी को थकान जैसे छू भी नहीं पाती। मोदी पर ना सर्दी का इफेक्ट पड़ता है और ना गर्मी का। कोई भी मौसम हो, कोई भी जगह हो, कोई भी वक्त हो, मोदी हर समय तरोताजा और एनर्जेटिक नजर आते हैं। मोदी पर जिम्मेदारियों और काम का बड़ा बोझ है, सरकार चलाने से लेकर पार्टी के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी। सवाल ये है कि मोदी ये सब कैसे करते हैं, बिजी शेड्यूल के बीच, देश विदेश की यात्राओं के बीच इतना काम। 66 साल के मोदी के माथे पर ना शिकन ना चेहरे पर कोई थकान। आप पूछ सकते हैं कि क्या ये मशरूम का इफेक्ट है? क्या मशरूम मोदी की सेहत का सबसे बड़ा राज है? आज आपको बताएंगे मोदी की फिटनेस का मशरूम कनेक्शन। तो नॉन स्टॉप काम करने के मामले में मोदी का कोई जवाब नहीं।
एक ही दिन में वो कई देशों की यात्राएं करके सबको हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। मोदी की फिटनेस दमदार तो है ही, याददाश्त भी बेमिसाल है। इसकी वजह भी मशरूम को ही बताया जाता है। मशरूम किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं। रिपोर्ट देखिए, आप भी मशरूम के चमत्कारी गुणों को जानकर हैरान हो जाएंगे। मशरूम खाओ मोदी बन जाओ। जी हाँ, सही सुना आपने, पीएम मोदी की तरह बिना थके बिना रुके काम करना है, मोदी की तरह तरोताजा रहना है तो मशरूम खाएं। आप पूछेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि मोदी की दमदार फिटनेस का एक बड़ा राज मशरूम भी है। आपको बता दें कि मोदी काफी सालों से मशरूम का सेवन करते आ रहे हैं। पीएम बनने के बाद भी मोदी की मशरूम खाने की आदत नहीं गई। मोदी की इस विशेष पसंद का ख्याल प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7RCR में भी रखा जाता है, इसीलिए लंच हो या डिनर, पीएम के डिश में मशरूम से बनी एक रेसिपी जरूर होती है। यही नहीं, पीएम मोदी जब विदेश जाते हैं तब भी उनकी इस पसंद का खास ख्याल रखा जाता है। इसकी एक मिसाल भी आपको देते हैं। ये बात साल 2015 की है, जब नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर गए। तब बकिंघम शायर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आवास चेकर्स पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दिए गए भोज में मोदी की पसंद का खास ख्याल रखा गया। वहां पीएम मोदी को तड़का दाल, सलाद, गुलगुला के साथ मशरूम पुलाव परोसा गया, जिसे ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के विशेष रसोइये ने तैयार किया था। जाहिर है, विदेशी दौरों पर भी मेजबान मोदी के मशरूम प्रेम का खास ख्याल रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का ये राज दुनिया को कैसे पता चला, तो आपको बता दें कि अपने मशरूम प्रेम के बारे में खुद मोदी एक इंटरव्यू में ये बातें बता चुके हैं। आपको बता दें कि ये बातें सालों पुरानी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। तभी से मोदी मशरूम का सेवन करते आ रहे हैं। गुजरात के सीएम बनने के बाद भी मोदी का मशरूम प्रेम बना रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार मोदी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था, मेरी अच्छी सेहत का राज हिमाचल प्रदेश का मशरूम है। ये फल अनेक गुणों से भरपूर है। मोदी को मशरूम की अहमियत पता चल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने मेन्यू से मशरूम को आउट नहीं किया। मोदी मशरूम खाते रहे और फिट बने रहे। 2014 के आम चुनाव में मोदी ने देश भर में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। मोदी ने इतना धुआंधार प्रचार किया कि रैली करने के सारे नेताओं के रिकॉर्ड टूट गए। कहा जाता है कि जबरदस्त फिटनेस और ऊर्जा के लिए तब भी मोदी के लिए मशरूम का सेवन मददगार बना। और अब आपको बताते हैं कि मशरूम में ऐसा क्या है जो इंसान को बीमारियों से बचाकर सेहतमंद रखता है। मशरूम में एक नहीं, कई विटामिन होते हैं। ये विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी और विटामिन के से भरपूर होता है। ऐसा कम ही होता है कि किसी फल में एक साथ इतने सारे विटामिन हो। मशरूम का विटामिन बी याददाश्त को मजबूत बनाता है और रोगों को दूर रखता है। वहीं मशरूम का विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद करता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। वहीं मशरूम का विटामिन सी त्वचा में निखार लाता है, यानी बुढ़ापे से बचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। मशरूम का विटामिन के खून जमने की प्रक्रिया में शामिल प्रोटीन, मिनरल्स और कैल्शियम को एक्टिव रखने का काम करता है। इससे हड्डियों की सेहत में सुधार होता है। धमनियों में कैल्शियम को जमने से रोकने में मदद मिलती है, जिससे हार्ट अटैक की आशंका कम हो जाती है। यानी एक मशरूम में कई सारे विटामिन होते हैं और इनके चौतरफा फायदे भी शरीर को मिलते हैं। यानी जो इंसान लगातार मशरूम का सेवन करता है वो कई बीमारियों से बचा रहता है और उसमें ऊर्जा भी भरपूर दिखती है। मोदी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मोदी को ना बीमारी छू पाती है, ना वो थकते हैं, ना वो रुकते हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं और इन सब में मशरूम की अहमियत की अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी 66 साल के हो चुके हैं।
लेकिन उनकी चुस्ती फुर्ती से सभी हैरान रहते हैं। मोदी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी जाती। रात दिन मेहनत करने वाले पीएम मोदी रोज योग और कसरत तो करते ही हैं। इसके अलावा मोदी हिमाचल प्रदेश का मशरूम भी खाते हैं। बाजार में इस मशरूम की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। मशरूम का वैज्ञानिक नाम मैक्रोला एक्सक्यूलेंटा है। हिंदी में इसे मशरूम कहा जाता है। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाले इस मशरूम की विदेशों में काफी डिमांड है। हिमाचल के हजारों लोगों के लिए मशरूम उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन है। ये अपने आप उगता है। हिमाचल में हजारों लोग इसकी तलाश में जंगलों में घूमते रहते हैं। लोगों से 10 से 15 हजार रुपए किलो में मशरूम खरीदकर व्यापारी इसे 25 से 30 हजार रुपए किलो में बेचते हैं। आपको बता दें कि देश विदेश में मशरूम की खूबियों के चलते इसकी काफी डिमांड है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसकी भारी मांग है। यहाँ के 5-स्टार होटल्स में भी ये लोगों का फेवरेट डिश है। जब से ये खबर फैली है कि पीएम मोदी रोज मशरूम का सेवन करते हैं और ये उनके दमदार फिटनेस का एक बड़ा राज है, तभी से लोगों में मशरूम को लेकर विशेष दिलचस्पी पैदा हो गई है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।